नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूँ पांच राज्यों की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्लाइट शेड्यूल में इजाफा होने जा रहा है। 1 अगस्त से एयरपोर्ट में 33 घरेलू फ्लाइट्स का संचालन होगा। एयरपोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर प्रिंस ने बताया कि एयर एशिया एयरलाइंस की तरफ से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। इस फ्लाइट का संचालन 1 अगस्त से होगा। दिलचस्प बात यह है कि एयरलाइंस ने इस फ्लाइट का बेसिक किराया तकरीबन 1365 रुपये में निर्धारित किया है। मैनलैंड सुखना लेक हमेशा ऐसे ही पानी से भरी रहे, इसलिए इसे वेटलैंड घोषित करने का फैसला लिया गया है। पंजाब राजभवन में चंडीगढ़ के प्रशासक व सुखना वेटलैंड अथॉरिटी के चेयरमैन वीपी सिंह बदनोर की प्रमुखता में हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया। मीटिंग में पंजाब और हरियाणा सरकार से भी अधिकारी शामिल हुए। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के शौर्य की कहानी अब वीडियो गेम में नजर आएगी। इसके लिए भारतीय वायुसेना अपना वीडियो गेम लॉन्च करने जा रही है। विंग कमांडर अभिनंदन इसमें लीड हीरो होंगे। यह वीडियो गेम मोबाइल प्ले स्टोर पर और आईफोन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अरावली में अवैध रूप से हो रहे खनन को नहीं रुकवा सका। इसके विरोध में न्यायिक सुधार संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन को अवैध खनन ना रुकवा पाने पर अब जवाब देना होगा। टप्परछिड़ी स्थित फतेह मीनार की काया को बदलने का जिम्मा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी गमाडा ने उठाया है। गमाडा ने फतेह मीनार को संवारने की नए सिरे से तैयारी शुरू की है। इसके पहले चरण में वहां पर नए सिरे से लैंडस्केपिंग की जाएगी। इसके लिए प्लान तैयार किया गया है। पंजाब में अगले 3 दिन में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके चलते पंजाब सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीसी को नोटिस जारी कर अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग की माने तो 25 से 27 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में पहले से जल भराव की मार झेल रहे बठिंडा और पटियाला में पानी और बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 आकी गई है। भूकंप गुरुवार रात तकरीबन 12:47 पर आया। किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल सरकार ने उद्योगों को कर्ज देने के लिए बनाए प्रदेश वित्त निगम को बंद करने की तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव वीके अग्रवाल ने इसकी संपत्तियों कर्मचारियों का राज्य औद्योगिक विकास निगम में विलय करने की तकनीकी रिपोर्ट मांग ली है। इसके बंद किए जाने का कारण यह है कि जिस उद्देश्य से वित्त निगम स्थापित किया था, अब यह उसे पूरा नहीं कर रहा। नोएडा में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। जिले में प्रॉपर्टी के सर्कल रेट कम किए जाएंगे। इसके अलावा फ्लैट्स की फैसिलिटी पर लगने वाला 6% अधिभार भी खत्म होगा। मॉल की प्रॉपर्टी से 25% और कमर्शियल प्रॉपर्टी में 21% अधिभार हटाए जा रहे हैं। 1 अगस्त से जिले में नए प्रॉपर्टी रेट लागू किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रधानमंत्री के नाम पर वेबसाइट बनाकर 100 से अधिक लोगों से ठगी के मामले में भंडाफोड़ किया है। सेल ने इस मामले में आरोपी युवक प्रसन्नजीत चटर्जी को बुधवार को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बेरोजगारों को शिक्षक पद के लिए फॉर्म भराने के नाम पर रुपए वसूले थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की तरफ से हरि सेवक शर्मा ने साइबर सेल के पास 7 जनवरी को शिकायत दी थी। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे पांच राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।